15-16 नेशनल के मेडल हैं सर उसके, तो जो साथ में दोस्त थे पढ़ा करते थे, फिर हमने खुद ही हथियार उठाने की सोची थी। मैं तो अंदर था, तो जो मेरे भाई थे बाहर उन्होंने प्रयास किए थे। 2014 में आप पहली बार पकड़े गए, आप मोहाली के पास से भाग गए, वो कैसे हुआ था और फिर कैसे पकड़े गए? वहीं से आपका जो सबसे ज्यादा नोटोरियस पन है वहीं से शुरू हुआ था 2014 से। मेरे बुआजी के लड़के का मर्डर हो गया था सर, जब मैं तारीख जा रहा था तो उस टाइम मैं भाग गया था पुलिस से, पर बाद में पकड़ा गया था सर मैं फाजिल का। नहीं, आप नेपाल चले गए थे, नेपाल से कैसे पकड़े गए, फिर वापस आ गए आप दिल्ली? वहां से सर हथियार लेके आ रहे थे तो हथियारों के साथ पकड़े गए थे। हथियार आपको इतनी आसानी से कैसे मिल जाते हैं, इतने लिंक कैसे बन गए आपके, आप तो तब बड़े छोटे थे। जेल में मिल गए थे लोग हथियार तस्कर थे सर। अब बाहर की बजाय जेल में रहना ज्यादा सुरक्षित लगता है? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि बाहर निकाल दें सर, पर अब कोई निकालते ही नहीं, सुनवाई नहीं हो रही इतनी। ऐसे बाहर मीडिया में या भ्रम ही ऐसा फैला दिया कि एक विलन हम ही सरवाइव कर रहे हैं दुनिया में। आपको मीडिया की सारी खबरें मिल जाती हैं अंदर, जी सर, अखबार लगवाए हुए हैं, वहां सेल में आते हैं सर अखबार। उनसे ज्यादा बातें तो आपको खुद पता होती हैं जो हो रहा होता है, अखबारों में तो उतनी चीजें छपी नहीं पाती हैं। जी सर, फोन चल रहा हो तो भी, और ना चल रहा हो तो फिर अखबारों वगैरह से पता लग जाता है सर। सचिन को आपने, जो आपका भांजा है, उसको कब बाहर भेजा और कैसे बाहर भेजा? नहीं सर, वो अपने सोर्सेज के थ्रू गया था, मैंने अपने मतलब जो छोटा भाई था उसको भेजा था, और वो मेरे भाई के टच में ही रहता था, तो उसके बाद उसने सचिन को बाहर बुला लिया। सचिन कैसे पकड़ा गया अजरबैजान में? वो डिटेन हुआ सर, मेरे को इस चीज का नॉलेज नहीं कैसे पकड़ा गया कैसे। जिंदगी का कोई ऐसा काला सफा हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? पर सर यही कहना चाहते हैं सर कि ये एक ही तरफा की बात सुन के हमें विलन बना रहे हैं सर सारा चीजें, कि भी ये आप इसका सिद्धू का भी इतना शोर मचा, इसका आप ये देख लीजिए कि भी इसने किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, कहते भी बहुत बेबाकी से बोलता था, इसने किस मुद्दे के बारे में बेबाकी से बोला जब तक जिंदा था, किसी क्राइम के बारे में या जो पंजाब में ड्रग्स फैल रहे हैं उसके बारे में ये कभी बोल रहा हो, कभी ये बोला हो कि एंटी गैंगस्टरों के बारे में बोला हो या कि टेररिज्म के खिलाफ बोला हो, किसी को अच्छी बात तो बोला होगा, कभी स्टेज पे इसकी क्लिप निकल जाएगी सर बोला हो, कभी ये आप पाकिस्तान के खिलाफ बोला हो या कभी कोई हमारे फौजी मरे हों उनके खिलाफ बोला हो। बोले तो सर पहली बारी आपके पास, हम तो बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ हैं, खालिस्तान के भी खिलाफ हैं, हम तो पहली बारी आपके पास मौका मिला, मेरे को तो बोलने का कहीं मौका नहीं मिला, मैं तो खिलाफ हूं सर बताइए। खालिस्तान के क्यों खिलाफ हैं आप? एक नेशनलिस्ट आदमी है सर, देशभक्त आदमी है, मैं नहीं सर, मेरी गैंग के सारे ही हैं जी, देश के खिलाफ हैं हम तो, सारों के खिलाफ हैं। ये कैसी देशभक्ति है जो जुर्म करने के रास्ते पे भेजती है? जुर्म सर बिल्कुल अक के किया बिल्कुल ही। अगर इस तरह से जुर्म करके कोई फायदा मिलता हो तो यहां तो हर कोई, मतलब आजादी के बाद से इसी तरह से हर कोई अपने आप अपने जुर्म का हिसाब कर रहा होता। सर वही गलती हो गई, हमसे सजा काट रहे हैं सर, 9 साल हो गए, और कोई उसका वो नहीं है कि भी हम किसी से कोई हर्जाना मांग रहे हैं कि हमने गलती किया तो हम काट रहे हैं, और जिन्होंने गलती करने के बावजूद बाहर घूम रहे थे तो भगवान ने उनको सजा दे दी। आपने कहा कि आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं, आप खालिस्तान के खिलाफ हैं, क्या खालिस्तान के जी खिलाफ आप पहले से थे या जब से ये मर्डर किया सिद्धू मूसेवाला का उसके बाद हुए आप? पहले से ही थे सर, ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको लगा कि ये ठीक नहीं है? आप तो जब खालिस्तान होगा तब आप पैदा भी नहीं होंगे, आप तो 92 बॉर्न है। हम जो सोच है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते, छोटे तो थे पर अपने देश की तो नॉलेज, पढ़े लिखे हैं सर, हमें अपने देश की नॉलेज है सर, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। अब आपको कोई कह देगा जी वहां केरला अलग करना है तो आप तो केरला से आपका क्या लगाव, पर आप ये तो चाहते होंगे ना कि हमारे देश के टुकड़े ना हों। आप कहते हैं मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊंगा नहीं, बात आप पॉलिटिशियन जैसे करते हैं। पहली बारी कहीं बात रखी है सर, मैंने कोई पॉलिटिक्स की वो एजेंडा से नहीं रख रहा, मैं आपने पूछी तो मैंने आपके रख दी, कोई प्री प्लान बातें तो है नहीं सर, मैं लिख के पढ़ रहा हूँ। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए, फिर ये ना हो कि आपने हमें सर आप संपर्क किया और कोई बात रह गई। मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप जो आप कहना चाहते हैं आप कहिए। बस ये कहना चाहते हैं कि सर हम कोई टेररिस्ट नहीं है, देश के खिलाफ नहीं है सर, कि हमारे इसने हमारे भाइयों का नुकसान करवाया था, तो हमारे साथ वाले भाइयों ने, गोल्डी ने या सचिन ने, तो इनका नुकसान कर दिया, और हम कोई ये मेरे को टेररिस्ट बना रहे हैं कि भी हाँ वो दीपक लड़का पहले हमारी गैंग में हुआ करता था सर, बाद में छोड़ के चला गया, जो रिंदे के साथ रल गया किसी के साथ ही रल गया, वो सर हमारा कोई लेना देना नहीं है अब उससे, ठीक है, और हमारा किसी से कोई एंटी नेशनल कोई आदमी हो तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है सर, हमारे पर्सनल इससे राइवलरी थी, कोई पैसों के लिए या कोई भी हम एक कोई और फेम के लिए हमने इसको नहीं मारा, हमारे भाइयों का मर्डर हुआ था, मारने के इसको पहले ही मार देते सर, चंडीगढ़ ऐसे ही घूमता फिर रहा था ये, कि हमारे भाइयों का मर्डर हुआ इसी हर चीज में हमारे खिलाफ जा रहा, हमारी एंटी गैंग को सर सपोर्ट कर रहा था इसलिए मारा इसको, और हम कोई एंटी नेशनल आदमी नहीं है सर, कभी कहीं पाकिस्तान बात हुई हो कोई ड्रग का या उधर से कोई हमने ड्रोन से कोई चीज मंगाई हो या उधर कहीं संपर्क कर रहे हो कहीं निकल जाए सर।
और केस चाहे सारे ही लग जाए, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि भी केस ना लगे या कुछ ना लगे, केस कुछ लग जाए जैसे भी लगने, पर हम अपनी बात रखना चाहते थे आपके पास कि हमारा इंटीनेशन नहीं है कि हमने कोई गलतियां की हैं जो हमारी आपस की पर्सनल जो यहाँ लड़ाइयां थी, या यूनिवर्सिटी की कर लीजिए या स्टेट में या कहीं भी हमारी आपस में झगड़े हुए या गैंग वार हुई, उसकी सजा भुगत रहे हैं सर, 9 साल जेल में हो गए, उसकी सजा भुगत रहे हैं, पर कोई देश के खिलाफ आज तक कदम ना उठाया, ना उठाने की सोचिए। और जो ऐसे आदमी जो करते हैं तो उनके हम खिलाफ हैं, जो देश के खिलाफ चलते हैं उनके हम भी खिलाफ हैं। कभी हम देश के काम आना चाहें तो आज कोई कोई चाहे कोई बात हुई तो देश के काम ही आएंगे, कि देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर आप अपराध बंद कर देंगे तो मुझे लगता है वो भी देश के काम आने वाली बात है। जो पुलिस जो है आपके पीछे 24 घंटे लगी रहती है, इतना क्राइम हो रहा है, ये सब देश को उन चीजों में जाने में रोकेगी। पीड़ित होकर चले हैं सर, कोई अपराध नहीं, अपनी गैरत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे सर। और कोई ऐसा माहौल बन गया तो हम अकेले नहीं है, ऐसे आपको मिलेंगे सर, प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि भी अकेले यही माहौल खराब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा सर। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि अगर मैं ये चीज अब बंद कर दूंगा तब भी आपके राइवल गैंग आपको छोड़ेंगे तो है नहीं, तो इसलिए आपकी मजबूरी बन गई है कि ये करना ही करना है। वाले सर इतनी उनकी कोई कहानी नहीं है ना, हम उनसे कभी इतना डर मानते हैं, ये तो हमारे भाइयों को नजायज मार दिया सर इन्होंने। कोई कोई अच्छा कोई जो हमारे गैंग का होगा, जो हमारा भाई होगा कोई मजबूत, तो उसको तो हाथ डालें तो फिर जोर आएगा ना सर। पर ये है कि ऐसे ही इन्होंने हमारे नजायज भाइयों को मार दिया, और हमें इनसे किसी चीज से भी खौफ नहीं है इनसे। हाँ कब बाहर भी आ जाएंगे, अगर कभी आएंगे तो पता लग जाएगा, पर ऐसे हमारे कोई खौफ नहीं है। आप अंडरवर्ल्ड डॉन बनना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं जिस स्थिति में हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ, जो अगर कोई मेरे को सजा मिलती है उसको भुगतूंगा। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे, और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। कब उम्मीद करें ये गौशाला कब बन जाएगी? कब आप अपराध छोड़ देंगे? कब तक जेल से बाहर तो आना ना आना वो तो कानून के हाथ में है। जेल से बना देंगे सर, मेरा छोटा भाई है वो तो बनवा रहा है सर, अपने जो उसके हिस्से में जमीन आती है, मैं कभी मेरे को मौका मिला तो मैं भी बनवा दूंगा। और कोई एक पॉलिटिक्स में नाम, समाज सेवा कोई होगी, कोई कोई गरीब होगा, कोई कमजोर होगा, उससे जुल्म हो रहा होगा तो जरूर उसके साथ खड़े मिलेंगे, और कोई पॉलिटिक्स में और कोई किसी चीज में नहीं। भाई तो आपके विदेश चले गए हैं अब। जी सर, वहां से फोन तो चल रहा होगा, मैं तो जेल में हूँ सर, उस पर तो क्या पाबंदियां। आपको खबर है कि आपके भाई चले गए? जी सर, मेरी बात हुई है काफी, 2-4 बारी हुई है जब से वो अमेरिका गया शायद। ऐसा तो नहीं होगा कि लॉरेंस को जरूरत पड़ेगी तो गोल्डी के बाद अनमोल भी जो है वो गैंग चलाने लगे? सर उसको पहले 4 साल जेल कटवा दी जी, 18 साल से 22 साल तक जेल कटवा दी, मेरे को 21 साल की उम्र में भेजा था जेल में, अब 30 साल का हो गया, और उसको 18 साल की भेजा था, 22 साल का निकला, फिर अंदर बाहर गया सर, 18 केस लगे हैं उस पर। कुछ किया होगा उन्होंने भी। कोई एक केस में भी केस तो डल गए, सजा भी भुगत ली, वैसे इन्वॉल्वमेंट किसी चक्कर में मेरे चक्कर में लगाए सर। 18 केस के बावजूद वो विदेश कैसे चले गए? पासपोर्ट बनवा के फेक पासपोर्ट पे गया होगा सर। अच्छा, बड़ी बेबाकी से मान लेते हैं आपकी फेक पासपोर्ट पे चले गए होंगे। जी सर, गया ऐसे ही गया होगा सर, और तो कैसे जाएगा बेचारा, यहाँ तो हर चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट डाल रहे थे, जमानत से 1 दिन पहले भी मर्डर केस लगा दिया था। आपको लगता है कि जितने भी आपके लोग हैं और ये सब पे झूठे केस लगाए गए, मेरे भाई पे झूठे केस लगे हैं सर सारे। कभी आपने इस बात को रखने की कोशिश की पुलिस के आगे या किसी के आगे कि ये केस झूठे हैं? सर उस टाइम पुलिस नहीं लगाएगी, और तो सर जुडिशरी तो केस कैसे लगाएगी सर, पुलिस ही लगाती है, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ आधार तो होगा ना, हवा में तो केस लग नहीं जाता होगा। मेरे चक्कर में लगाए हैं सर। तो आपके चक्कर में आपकी फैमिली भी परेशान है। आपके माताजी या आपके पिताजी कभी बोलते ही नहीं है कि लॉरेंस तुम्हारी वजह से हमें भी परेशानी झेलनी पड़ती है? अच्छी खासी जमीन जायदाद थी, क्यों आप अपराध की दुनिया में चले गए? सर बोलते हैं कई बार, अब क्या कर सकते हैं सर। फादर साहब से तो मिले काफी समय हो गया सर, माता मिलने आते हैं जेल में मेरे को, माताजी ने कभी कहा नहीं कि ये सब खत्म कर कहते दो? हैं सर जब भी मिलते हैं, कहते हैं सर, कोशिश करते हैं सर हम भी, पर कभी परिस्थितियां नहीं मड़ी कि मुड़ जाए। आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, आप इस सब चीजों से बाहर आ जाइए, आप पढ़े लिखे हैं, एनर्जी है, इस एनर्जी को किसी अच्छे काम में लगाइए, क्योंकि जो लड़ाई आपने शुरू की है ना, इस लड़ाई का अंत अच्छा नहीं है। मैं तो एक आपसे बड़ा होने के नाते आपको ये नसीहत, ये सलाह दे सकता हूं। जी सर जरूर प्रयास करेंगे सर, कभी अच्छे बने तो कहीं बाहर आपको अच्छी जगह पे मिलेंगे सर, नहीं तो इस ऐसी जगह पे कभी आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस, हम भी इसी उम्मीद के साथ आपके साथ ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं कि अगली बार आपसे मुलाकात जेल से बाहर हो और आप इस अपराध की दुनिया से बाहर आ चुके हों। आपसे ये गुजारिश है कि अपराध में कुछ नहीं रखा होता है, इस खून खराबे से केवल घर और परिवार तबाह होते हैं। इस तबाही से बाहर निकलिए और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के घर में अंधेरा हुआ, ऐसे और घरों में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए अपराध की दुनिया छोड़कर आप एक सामान्य
जीवन व्यतीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरेंस बिश्नोई के साथ हमारी बातचीत जारी है, लेकिन आपको लगेगा कि ये कपड़े कैसे बदल गए, क्योंकि ये गैंगस्टर के साथ इंटरव्यू है और गैंगस्टर भी जेल में बंद है, तो ऐसे में टाइम और तमाम चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, ये तो गैंगस्टर को ही मैनेज करनी होती है। लॉरेंस, ये सिद्धू मूसेवाला के पिता को फिर धमकियां मिलने लग गई हैं, ये आप क्यों धमकियां दिलवा रहे हो इनको, क्या चाहिए अब आपको इनसे? नहीं नहीं सर, इस बार हमारा तो अब इसके बाप से ना कोई लेना देना ना कुछ, और या कोई और चीजें हमारे कोई मतलब असामाजिक तत्व होंगे कोई वो कर रहे हैं हमारी तरफ से, इस बार कुछ भी मतलब ऐसी हरकत नहीं। और ना हम इतनी अच्छी हरकत कर गए कि किसी के परिवार को हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ है जोधपुर का, उसने ये इनको मेल पे थ्रेट भेजा था कि 25 अप्रैल तक जो है वो आपको और सलमान खान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो 25 अप्रैल, सलमान खान, ये जोधपुर, ये सारा कनेक्शन तो आप ही से जुड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन भी होगी, हमारे साथ कोई ताल्लुकात ही नहीं, नाम उससे कभी मिले हुए, उसने बयान भी यही दिया था कि मैंने अपने मतलब पब्लिसिटी के लिए या कोई अपने मतलब कोई जो फेसबुक अकाउंट है उसका फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये काम किया था, कि हमारा कोई लेना देना नहीं है हमारी मतलब हमारे साथ वाले भाइयों से, उसने बयान दे दिया सर, वो इन्वेस्टिगेशन में हो गए अभी तो जांच चल रही है जोधपुर में, आपको जेल में पता भी लग गया। सर। अखबार भी तो पढ़ते हैं, ऐसे तो जेल में कनेक्टिविटी होती है जी, एसटीडी है, मुलाकातें हैं जी, ऐसे तो बातें पूछते रहते हैं सर। नहीं, कनेक्टिविटी तो आपकी मैं देख ही रहा हूँ, खैर अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी तो आपकी ठीक ठाक ही है। नहीं नहीं सर, ये तो आपसे मतलब हम अपनी आप कह के बात रखने के लिए ये तो हमने प्रयास किया सर, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला के पिता को उसने फेसबुक के अपने जो है वो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया, तो सलमान खान के साथ उसका क्या तुक था? ये एजेंडा तो आपने दिया था पहले, सलमान खान और सिद्धू मूसेवाला के साथ तो जो है वो खुन्नस आपकी थी, आपके गैंग की थी, लड़का क्यों ये सब करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटे छोटे लड़के तुम्हारे साथ ही जुड़ने लगे हैं? नहीं, अगर मुद्दा सर एक है तो हम साथ जुड़ने को तैयार हैं जी, वो हमारा सर समाज का मसला है, और पर्सनली मैं उससे मतलब इस बात पे मतलब सर द्वेष रखता हूँ, और कोई वो बात नहीं है जी कि किसी पैसे के लिए हमने किसी उस बात नहीं, कि वो हम अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं उस चीज में, इसलिए उसको हम मतलब सबक सिखाना चाहते हैं जी, और कोई बात नहीं है। जिद उसने पकड़ रखी, हम तो माफी मंगाना चाहते हैं कि हमारे समाज से माफी मांग ले, और तो कोई जिद है ही नहीं सलमान खान माफी मांग लेता है तब आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? जी सर। जी सर, और नुकसान नहीं सर, ये तो मतलब बात उसकी तरफ से शुरू हुई तो उसी की तरफ से खत्म करनी पड़ेगी, हमने तो शुरू की नहीं सर, हम तो बॉम्बे जाके कोई उसका गड़मा पकड़ा नहीं, या हमने तो जाके कुछ उसको घर से निकाला नहीं, वो ही जोधपुर में आके जो उसको पता है कि हमारा समाज इस चीज के खिलाफ है, तो उसी ने आके यज्ञ तो समेटना भी उसी को पड़ेगा सर, हम नहीं समेटेंगे, हम तो 25-30 साल हो गए हमको इंतजार करते हुए, अगर नहीं तो कोई ना कोई स्टेप तो आज नहीं मैं नहीं तो कोई और हमारे समाज का, या कोई और हमारा भाई जो मेरे से जुड़ा हुआ है या हमसे जुड़ा हुआ, तो कोई ना कोई तो ये स्टेप उठाएगा ही ना सर। माफी मांग लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपको भी तो सिद्धू मूसेवाला के परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए ना? नहीं सर, उससे परिवार से तो माफी मांगने को तैयार है, उससे परिवार से हमारा कोई द्वेष है ही नहीं जी, उससे परिवार से हमारा क्या द्वेष, और जब तक जिंदा था उसके शरीर से हमारा द्वेष था, अब तो आत्मा सारों की परमात्मा में लीन है जी, कोई दिक्कत नहीं, अब तो क्या बात उससे। गोल्डी बराड़ के अभी अमेरिका में पकड़े जाने की बात सामने आई थी, हालांकि पकड़े तो नहीं गए थे, पंजाब में भी ये बात आई कि उसको डिटेन कर लिया गया है, आपसे तो बात हुई होगी, असल में माजरा क्या हुआ था? कुछ नहीं सर, वो तो कहता मेरे को तो किसी ने यहाँ पूछा पाछा ही नहीं, कि मेरी तो कोई बात है ही नहीं, और कहता मैं अमेरिका में हूँ नहीं कहाँ है गोल्डी बराड़? सर। गोल्डी मेरे को तो यही बताता कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ जी, मेरे को तो यूरोप का बताता है या कनाडा का बताता है, और अब एग्जैक्ट कहाँ है सर, मेरे को तो मतलब जेल में हूँ, इस चक्कर में मैं फोन पे पूछता भी नहीं उससे। आपकी तो बातचीत हो ही जाती होगी, आपको जेलों में दिक्कत थोड़ा है आजकल गैंगस्टरों को फोन की? पंजाब से लेके तमाम जेलों में आजकल गैंगस्टरों के पास ही फोन मिल रहे हैं। सर पर मैं इस टॉपिक पे कभी पूछता नहीं कि तू कौन सी जगह है, कंट्री कौन सी है, इस चक्कर में कभी नहीं पूछा सर मैंने। आपकी क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग से अनबन हो गई है? ये जो अभी गोइंदवाल जेल में मर्डर हुआ है, ये क्या माजरा है? सर ये हकीकत आप वहां इन्वेस्टिगेशन भी होगी जी, कि बात ये हुई है कि वही जो लड़के थे मतलब जग्गू से जुड़े हुए, वही पहले 3-4 दिन पहले हमारे साथ का भाई था, गोल्डी भाई के मौसी का लड़का था मनप्रीत बाबू, उसको पीट के गए थे, तो भी हमने तो सारों को फिर भी सब्र रखने के लिए कहा था कि भी नहीं लड़ना, किसी से नहीं लड़ना, पर उन्होंने 2-3 दिन बाद फिर पीटने के लिए आ गए उसको, तो उस चक्कर में वो तो खुद ही लड़ने के लिए आए थे, तो वहां फिर मतलब इतना तो हर आदमी कुछ ना कुछ करके जेल में गया, तो ऐसी कोई कौन सकता होता सर। जग्गू भगवानपुरिया और आपने तो मिलके पूरा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस प्लान किया था, और अब जेल में जाके आप लोगों का झगड़ा शुरू हो जाना, ये बात समझ में नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लोग आपके खिलाफ गवाह बन सकते थे उन दोनों गवाहों को मार दिया गया हो जेल में?
नहीं नहीं सर, ये मेरी इस सिद्धू के मसले में मेरी और गोल्डी भाई की बात हुई थी। हमने जग्गू के ठिकाने पे आदमी हमारे जरूर रुकवाए थे, बाकी सारा कुछ है जो गोल्डी भाई ने प्लान किया था और उन्हीं को पता है। मैं, मेरा तो फोन चल नहीं रहा था और जग्गू का भी उस टाइम फोन नहीं चल रहा था, वो तो गोल्डी भाई ने किया जो किया, हमें इस चीज की तो नॉलेज नहीं सर। ये कैसे हो सकता है कि बिना सेटिंग के हथियार आ जाएं जेल में और जेल वाले रोकने भी ना आए और दो लोगों का मर्डर हो जाए? ये कैसे हो सकता है? तो सब सेटिंग से हुआ होगा ना? नहीं नहीं सर, कोई सेटिंग नहीं थी, मतलब अगलों की ही गलती थी। और अगर कोई हमला करने आए तो ये तो धर्म है जी कि अपने बचाव के लिए आदमी कुछ भी करेगा। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो लोग आपके खिलाफ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के गवाह बन सकते थे या बड़ा एविडेंस थे, ये बता सकते थे? मनमोहन मोना और मनप्रीत तूफान था, ये दोनों बता सकते थे, इसलिए तो नहीं उनको रास्ते से हटाया गया? बता दिया था सर उन्होंने तो, जो बताना था बता बुदू के ही गए थे जेल में, किसको? रिमांड से बता के चले गए थे सर। नहीं, पर कोर्ट में भी तो जरूरी होता है ना, रिमांड का बताया हुआ सच सच थोड़ा माना जाता। कोर्ट में तो सर पता नहीं क्या कब होना है, ये तो 50 जने बस फंसा रखे हैं, वो सारे बेकसूरी फंसा रखे हैं, अब तो बरी तो होंगे ही। नहीं, आप थोड़ा बेकसूर हो, आप तो अभी मान रहे थे कि आपने और गोल्डी भाई ने प्लान किया, वो बोल रहे थे आप। तो जब प्लान किया सर तब तो हुआ ही कुछ नहीं ना, बाद में तो उसने प्लान किया, वो कनाडा बैठा है। माँ बाप का होनहार लड़का हमने मार दिया, अब तो 1 साल होने को जा रहा है, अब पछतावा होता है थोड़ा? है नहीं, होनार तो चलो सर था, होनार हम भी बड़े हैं सर होनार हम भी बड़े हैं, पर वो हमारे भाई को मरवा दिया उसने। अगर हमारे के साथ वाले को मराएगा तो हम, उसका तो रिएक्शन होगा ना, गैंगवार में घुस रहा था सर वो, हमारी आपस की लड़ाई में घुस रहा था, कोई अपना सिंगिंग करे जी कितने सिंगर प्रोटेक्शन मनी देते हैं गैंगस्टरों को? अबे तो अभी तक किसी ने दी नहीं जी। तो ये एनआईए जांच किस चीज की कर रहा है? पूछ लो नहीं मैं, पहले एक आदमी को पकड़ाओ जिसने पैसे दिए हो हमें, ये तो ऐसे सर हुआ मना रहे हैं बिना मतलब के। नहीं, ये तो आपको लगता है ना, वो लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है, आप तो हंस रहे हो इस बात पे, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको अफसोस होना चाहिए, इकलौता बेटा था उनका, चला गया हो। होनार था ठीक है, वो तो मान ली बात, एक सिंगर था, होनार था कि अपने मतलब हमारी लाइन के गाने गाता था वो, वैसे कोई उसने देशभक्ति का या कोई मतलब किसी सही तरीके का गाना तो मैंने सुना नहीं गाया वो, पर ये है कि सर हाँ हम, जब मेरी द्वेष उससे काफी समय से चल रहा था, हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि जब विक्की को मार दिया ना, क्योंकि बाद उसके बाद शुरू हुई है जी। कभी सिद्धू मूसेवाला से बात करके उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? ये खून खराबे की बजाय मसले खत्म भी तो हो सकते थे ना? सर ये जैसे ये सलमान खान अंकारा हुआ ना, वैसे ही वो भी अंकारा हुआ था, वो आदमी को आदमी थोड़ी समझता था उस टाइम, वो हमारे को तो टोंट मारता होता था कि ये तो करतूत थोड़ी कर सकते हैं कोई। नहीं, ये तो कोई आपके कान भी भर सकता है ना, आपको लगता है कि सलमान खान अहंकारा हुआ है, आपको लगता है कि सिद्धू मूसेवाला अहंकारा हुआ था, तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिरौतियां लेते लेते इसके सिर पे गुंडई सवार हो गई है। नहीं सर कोई बात, श्रोती लेते लेते नहीं, वो तो कभी कह देते इस चक्कर को, तो इनको तो इसको तो अभी कह रहे हैं कि मैं खुद इसके पैर पकड़ लूंगा, हमारी समाज से हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले, बस मैं खुद पैर पकड़ लूंगा, बात ही नहीं। यहाँ ये पहले ही आप सब गैंगस्टरों ने मिलके पंजाब के नाक में दम कर रखा है, यहाँ पे यूथ की जवानी खराब कर रखी है, ये आप लोग क्यों पंजाब को खराब करना चाहते हो सारे? सर हमसे तो कोई परेशान नहीं, हम तो वैसे ही सर जितने भी हैं सारे ही जेल में बैठे हैं आपका जेल में बैठना ही तो खतरनाक है, आप जेल से ही तो कांड करते हो सारे। सर, 9 साल हो गए, मैं तो सजा भुगत रहा हूँ अपनी, 21 साल का था जब गया हूँ, अब 31 साल का हो गया जी, और मतलब 10वां साल चल गया मेरे को ये सजा काटते हुए, मैं तो जो अपने करतूत की है उसकी सजा काट रहा हूँ। और करतूतें भी हुए जा रही हैं, आप अंदर से कौन सा हट रहे हो? किसी चीज में कभी कोई प्रूव हुई है कोई चीज हो, मैं गया तो यूनिवर्सिटी के झगड़े में था अंदर, अब से मेरे को निकलने नहीं दे रहे, फिर मैं करूँ क्या बताओ, क्या करोगे, मतलब यही करते रहोगे अब सारी उम्र? क्या रहा हूँ सर मेरे को भाई बाहर अगर आप लोगों का इतना डर है तो आपका गैंग कुछ तो कर रहा होगा ना लॉरेंस? सर। गैंग को पकड़ो मेरे को, ये देख लो सर मेरी तो ये सेल बंद रहती है 24 घंटे, मेरे को खोलते भी नहीं। आपको तो अच्छा हो गया, आप जेल में सेफ हो आराम से, और बाहर चलता रहता है ये कत्लोगारत हो रही है बाहर, आपके गुर्गे शूटर काम करते रहते हैं बाहर, प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, ये अगर कभी उन्होंने जरिया बना लिया हो तो उनकी कृपा है सर। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुंडों की लीला चल रही है, और उस गैंग के सरदार आप हो, आप चाहो तो ये रोक सकते हो। मेरी लीला तो सर, मैं तो 4-5 साल हो गए सलमान खान को मारना चाहता हूँ, मेरे से तो अभी तक मरा नहीं जी, जब तक मेरे से मर गया उस टाइम कह दूंगा हाँ मेरे मेरी करतूती ये तो प्रभु करवा रहा है सर, किससे करवा रहा है, मैं तो सेल में बंद रहता हूँ, मेरे को तो खोलते भी बहुत कम है जी, तारीख तुरीक में कभी ले जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं तो मेरे से मेरे को तो वहां भी नहीं मतलब किसी से मिलने देते। ऐसे कह रहे हो लॉरेंस की जेल के अंदर से ही कि मैं सलमान खान को मारना चाहता हूँ जैसे मच्छर है और शाम को मार दिया? इतना आसान नहीं होता है ये सब करना, जिस तरह से आप शरेआम कह रहे हो और नुकसान पहुंचाने के बाद।
तो सर वो तो हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं तो नहीं कर रहा, ये तो सर हो जाती है कभी चीजें, बाहर वाले कर रहे हैं कि हम मेरे से जुड़े हैं तो मेरा नाम आ जाता है जी, उसकी मैं सजा भुगत रहा हूँ। आप बार बार ये बात कहते हो कि सलमान खान को नहीं छोड़ेंगे, सलमान खान माफी मांगे नहीं तो सलमान खान से हम बदला लेंगे, सलमान खान को मारेंगे। पुलिस भी ये बात बोलती है कि आपका टारगेट सलमान खान है, आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा। तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हवा बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का ही चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है, इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात यह है। वो तो अपनी भी रख लेंगे। अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है, और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से ही तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं जी, आपने रेकी तो करवाई, चांस नहीं लगा इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में, आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है, फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर, सवाल पूछिए, अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते ना, मैंने हंसते हो जब पूछते हैं सर, उसमें आप ज्यादा बढ़िया लगते हैं, ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर। कई बार सवाल है ना, अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड भुगत भुगत कैसे हुए पड़े हैं सर, आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है, ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है, रिएक्शन में काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं, किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा था। हाँ कोई मारने आएगा तो सर, जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा, इस चीज में तो क्या कह सकते हैं। कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए, हर कोई मतलब निमित मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रतिक्रिया दिखाता है, मैंने भी वही किया जी। तो आपकी प्रतिक्रिया तो भैया आप ही को समझ आए, लेकिन मुझे ये जरूर समझ में आता है कि बाहर लोग आपसे डरते हैं, आपको जेल में डर नहीं लगता है, कनेक्टिविटी आपकी फुल रहती है, और मुझे ये नहीं समझ आता आप जिंदगी में चाहते क्या हो। आपको ये नहीं लगता कि जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को डराते हो, एक दिन हो सकता है आपको भी इसी तरह से कोई मारे? वो चीज सर कबूल कर ली सर, अब वो चीज अब मान बैठे हैं कि हाँ ये चीज होनी है, पर इस चीज के लिए रोज रोज क्या रोना सर, भगवान का नाम लेते हैं कि इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ती रहे, जब तक चल रही हैं सांसें तो ठीक है सर। बस जैसे आपकी सर रिपोर्टिंग की ड्यूटी लगाई है, सारे सिपाही हैं सर प्रभु के, आपकी वो ड्यूटी है, मेरी इस साइड ड्यूटी है, दीवार के दोनों साइड से चल रहे हैं सर काम। अब एक तरफ से सिक्का तो फिर उछलेगा ही नहीं ना सर, समाज चलेगा ही नहीं फिर। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं नहीं सर, हमें हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार, हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाएं तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना, कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो, अब सारी आप जैसे हो जाए फिर तो क्या होगा सर बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम, मेरे को सबसे जब भी ज्यादा सर खुशी उस कभी दिन होगी मौका जिस दिन मिलेगा, आप ये काम छोड़ दोगे। एक कभी सर एक प्रयास हुआ हो आज तक आप बता देना, बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा, पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो, आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप ठीक है लोगों को इस सर, दलदल से बाहर लाएं। क्या एक प्रयास कर ले सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी, प्रयास चाहिए अभी भाई तो वो बताओ? सर अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर। सर इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए सर। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो, अगर जेल से तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का, ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर ली, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा जी, हमारी तो पक्ष सुन ही नहीं रहा था ना सर कोई, अब दुनिया के सुन रहे हैं तो एक आदमी को तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलक या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता, क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर मेरी नहीं कोई रही जान पहचान,
हाँ मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था उस टाइम ना, वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले को गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो, और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ, स्टूडेंट लाइफ, हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया, ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर, अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी, जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर, कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा जी। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुए हैं उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, आप पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, ये वो, ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इसी बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो तो मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है, इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? आप उसके लिए सजा है, कायदा कानून है, आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो? आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सब प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है, ये तो आपका अच्छा काम हो गया, अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है, वो अपनी चला रहा है हम अपनी चला रहे हैं। काहे की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जो बता, मुद्दा किस चीज पे है, वो ऐसे रोड़ा डालता घूम रहा है दुनिया में, कोई युगांडा में रह रहा, कोई कौन सा मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है, रोज ही ऐसे। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी, हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के 60 एक गांव हैं, मतलब हमारे गांव में है एक दो घर हैं मतलब भाइयों के, है ना, हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पढ़ते हैं, हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं, इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कि सोशल मीडिया पे, बाकी जेल में हूँ मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना, और ये हमारे साथ आपको कि त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी कर रही है, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता हमारे साथ रहे हैं सर, ये मतलब बब्बा आवारा रहा है, बब्बा राजू आना रहा है, सारे रहे हैं, हमने उनके मुंह मुंह से नहीं सुना जी मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर वहां त्याड़ में इकट्ठे थे जी, यहाँ पटियाला जेल में मैं ये बब्बर जोड़े थे उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं, मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त हैं बिल्कुल, बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना, कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा, हमारा गाँव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो, और तो बात और छोटे बिना ही मतलब की नहीं है, जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले जिससे लड़ाई लड़ ले, अब वो टाइटलर आप ने या उसने सज्जन कुमार ने जुलम जुलम किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी, हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं, उनके घर के तरफ चला जा कहीं, कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़, और जिन्होंने किए हैं सबके एड्रेस हैं, सब सब बातें हैं जी, जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो, रो कौन रहा है इसको लड़ने के लिए। आपको क्या लगता है कि खामखा मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने, यही मैं इसने मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ी मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के, वो तो आपने भी नहीं मारा कभी इधर किसी ये के, कह रहा मुझे है कि लगता है। अत्याचार है, मैं ये कर दूं तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नजायज मेरे को जो 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं नहीं सर मैंने तो मरवाने का भी नहीं कहा, तो 120 भी अंदर से लग रही है तो बाहर है जी, कोई वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं, गोली मरवाते हो। गलती की होती मैं तो सजा भुगत रहा हूँ जी, बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर, कोई और बात है, कोई बात ये है सर कि बात भी हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना, और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं, कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं, कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे तो, ठीक है, कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ जी। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में।
नहीं, सर ऐसी कुछ नहीं, ये तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी, जैसे इसका बार चल रही है ऐसे हमारे अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं, अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से, गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा अभी सर हैरान अभी हूँ। तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है आपके, सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर, जेल वाले भी, पता कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? लग जाए तो पकड़ ही लेते। सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ पर। जैसे आप बात कर रहे हो ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहां। सर आप गुड लक है ना, आज मेरे आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से CIA इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता, वो चेला नंबर वन आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वो ही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो, आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? तो खाम खा 20 दुश्मन बाहर, कहाँ नहीं सर मैं जाना चाहता हूँ, अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता भी सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया जब वापस आया जेल में, तब तो पता लगा कि तब तो मैंने पूछा मैं, और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में वो? अलर्ट बहुत था जी, बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर पकड़ने की, तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है, आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था कि साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा, फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे, ये कहाँ लेके जाना था उसको? तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मिल जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना, उसको पब्स में भेजना, उसको होटलों में रहना, वो तो जेल से ही इसकी ऐश करा रहा था। मतलब पब में तो वैसे ही चले जाते हैं जी, किसने रोकना था वहां पे। आपने कितने अफसर भेजे हैं आज तक? मैं तो सर खुद ही नहीं गया कभी, मैंने किसने भेजना था, मैं तो छोटा सा था उससे अंदर आ गया, मेरे तो जन्म ही बाहर हुआ, बाकी जवानी और वो तो सारा कुछ जेल में ही आ रहा है, बुढ़ापा भी वो जेल में ही आएगा मेरे को लगता है और फिर भी तुम बड़े खुश हो जेल में? सर, प्रभु की कृपा है सर। बाकी तो कई महलों में भी सुसाइड कर ही रहे हैं सर, अब देख लीजिए आप, कोई बिना प्रॉब्लम के भी पॉलिटिकल लोगों की या अफसरों की शय तो होती होगी ना? नहीं सर, मेरे को तो नहीं है, किसी और को होती होगी तो, मेरे को तो किसी ने दी नहीं। सबसे ज्यादा अगर है तो मुझे लगता है आप ही को है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, मेरे को ही नहीं है, बाकी सभी को होती है। किस किस को है बताओ, और किसकी है जरा बताओ, एक दो को पता ही होगा, तुम्हें तो सारी चीजें पता है। यूपी के जैसे बाहुबली विधायक उनको होती है सर, और यहाँ तो मेरे को पता नहीं किसी को, मेरे को तो लगता नहीं है पंजाब में किसी को होगी सर, ऐसा मेरे को लगता नहीं। यूपी में तो घर तक टूट रहे हैं, यूपी में क्या शायद मिलनी है, यहाँ की बात करो आप। पहले की बात कर रहा हूँ सर, अब तो नहीं, मैं पहले की बात कर रहा था सर, कि पहले तो थी, अब तो मेरे को पता नहीं है कि नहीं, और यहाँ पंजाब में तो मेरे को नहीं लगता सर। अब पंजाब में पहले कोई होगी सर गैंगस्टर को, मेरे को नॉलेज नहीं सर इस चीज की। जगरूप रूपा और मनप्रीत का एनकाउंटर हुआ था पठारी के पास, वो एनकाउंटर हुआ था या करवाया गया था? जगू की सहेली है उसका भाई, उनको वहां छोड़ के आया था शायद भी, हमें तो ये पता लगा था। तो बाकी तो सर अब इसी बात पे हमारा मन मुटाव शुरू हुआ था, और बाकी तो देखो सर भगवान जाने क्या था क्या नहीं, हमें तो इस चीज की नॉलेज, पर हमें ऐसे मतलब पता लगा था कि इसने, इसकी सहेली है कोई, उसका भाई है जो, अब इसने ऑस्ट्रेलिया ही भेज दिया अपने भाई के पास, नाम भूल गया सर मेरे को, बताया तो था गोल्डी ने उसका, तो वो छोड़ के आया था जी। अगर जग्गू ने ये सब करवाया है आपके मुताबिक, तो फिर आपको तकलीफ क्यों थी? नहीं उसकी गैंग के कौन थे जी, गोल्डी से जुड़े हुए थे 2 साल के, हमारा साथ का लड़का था इंद्रप्रीत पैरी, उसने गोल्डी से मिलाए थे ये दोनों को, तो तब से इसी के जानकार थे ये, जो गोल्डी ने शामे का मर्डर करवाया था मुक्सर में, उसमें भी ये साथ गए थे, वो दिल्ली वाले लड़कों के साथ गए थे ये, जो सागर राणा और ये पकड़े गए थे दिल्ली में लड़के 5, उनके साथ ये मर्डर करने मुक्सर भी गए थे ये लड़के, ये तो गोल्डी से 2-3 साल से जुड़े हुए थे, हमारे साथ का ही लड़का है, मेरा दोस्त ही है बचपन का इंद्रप्रीत पैरी, उसी ने मिलाए थे गोल्डी से इनको, उसके साथ हुआ करते थे जेल में ये जग्गू ने इनको प्लान के तहत वहां भेजा और वहां पर पुलिस ने इनको घेर लिया। सब। हमें तो यही पता लगा जी,
लगभग आप पुलिस से पूछेंगे तो यही बात हमें भाई, कोई औरों को भी यही बात पता लगी है, कोई हमें बात करता तो बता देता किसी के लाइजन होते हैं तो। आपसे बेटर किसको पता होगी? आपको तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा जो भी होगा। हमें तो यही पता लगा सर कि ऐसे इसने छुड़वाए थे वहां पे, इसकी वो गर्लफ्रेंड थी एक, अमन अमन उसका भाई था, वो छूट गया था जी वहाँ, इससे जग्गू को क्या उनको कुछ फायदा नाम है होगा? शायद, पता नहीं सर कोई लग्जरी चाहता होगा या कोई ऐसे होता होगा, कोई सेटिंग होती होगी इसके, मेरे को भगवान जाने सर। जग्गू पर यह इल्जाम आता है कि वो कई पुलिस अफसरों से जो पंजाब पुलिस में काम करते हैं उनसे मिला हुआ है। तो क्या आपको ये बात पता नहीं लगी? अगर आपके साथ इतने सालों से वो इकट्ठा रह रहा है, तो दिल्ली से लेके पंजाब तक, आपको ये खबर ही नहीं है? इकट्ठा तो सर मेरे साथ फोन पे ही बात होती थी भाई, दोस्ती थी मेरी। इकट्ठा तो मैं सर हमेशा राजस्थान रहा हूँ, यही से एक दिन एक बार रहा हूँ और 15-20 दिन एक बार रहा हूँ, और मैं भी इकट्ठा रहा था। नहीं, पंजाब में भी इकट्ठे ही थे आप? नहीं नहीं सर मैं तो पंजाब में कभी इसके साथ एक दिन रहा हूँ 20 बार ही, और 15 दिन एक बार रहा हूँ, नहीं तो मैं राजस्थान रहता था सर, मैं तो अकेला ही था, कभी मैं साथ नहीं रहा। जग्गू ड्रग्स का काम करता है, ये बात तो आपको पता है ना? 2017 में राजस्थान की जेल गया था, पंजाब में तो जी ये मेरे को पता थी, बात करता है। आपने कभी बोला नहीं इसको कि पंजाब में ऐसा क्यों कर रहा है? तो आपने क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? जब आप कहते हो कि मैं कोई इस तरह का काम नहीं करता, तो ये जग्गू को क्यों नहीं रोका आपने? सर ये मेरे से मिला तब, उससे पहले से करता था तो मेरी दोस्ती होगी, तो इसका काम था, मैंने कभी एक दो बारी मना भी किया, काफी बारी कहा वैसे तो मैंने इसको, पर एक दो बारी सीरियस नोट पे भी कहा, तो ये इसका अपनी जिंदगी थी सर, मैंने कभी इंटरफेयर उसके बाद किया नहीं। हाँ फोन पे मेरी बात इससे होती रहती थी, और वैसे मेरा प्यार ठीक था इससे। अटारी में जो एनकाउंटर हुआ आपके, उसके बाद रिश्ते खराब हुए जग्गू से, मैं ये कह सकता हूं? जी सर उसके बाद मतलब बोलचाल काफी हद तक बंद हो गई थी बाद में, तो जब गोल्डी भाई से लड़ाई हो गई उसके बाद तो मतलब मेरी है नहीं गोल्डी से किस बात को लेके लड़ाई हुई? इसी बात को लेके, एनकाउंटर को? जी सर, एनकाउंटर को लेके बात हो गई। तुम जिंदगी में करना क्या चाहते हो? क्या मतलब, क्या दाऊद इब्राहिम बनना है, बड़ा गैंगस्टर बनना है, जेल में ही सड़ना है, क्या करना है? लोगों से फिरौतियां ही लेनी है, क्या करना है? लेता ही नहीं सर सुपारी मैं जी। तुम्हारी मैं इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा था, मतलब मुझे लग रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ले चुके होगे। वो सर मैं तो कहां से ले चुका हूँ सर, मेरी मम्मी माता है जो मेरे माता जी, वो कंटीन में पैसे डलाते हैं कपड़े वो भेज देते हैं जी, पता कर लीजिए। और मैंने कहा सुपारी 9 साल से अंदर बैठा हूँ, स्टूडेंट था जब अंदर गया हूँ, हॉस्टल से अंदर गया हूँ सर, मैं 4 नंबर हॉस्टल में रहता था, वहां से अब यहाँ जेल में हूँ, कहां से ले लूंगा किसी से सुपारी, वही बताइए सर आप। जो मलेशिया बैंकॉक में पैसा जाता है, सारा डिलीवर होता है, वो किसका है? वहां आपके यार थोड़ा ऐश करते होंगे, वो पैसा तो आप ही का है, वो किसका पैसा है वो? जिनके पास जाता है सर उनको एनआईए पकड़ लेगी जब पता लगेगा, मेरा तो जाता नहीं सर किसी के पास। तो ये पैसा कहाँ जाता है आपका? चलो, एक हथियारों में चला गया, एक साथियों की जो है वो घर परिवार को पैसा देने के लिए चला गया, बाकी कहाँ इन्वेस्ट करते हो पैसा? कहाँ है ही नहीं ये पैसा, ये तो सर वैसे ही बन रही है चीजें, कोई पैसा कुछ नहीं है। एनआईए ने इतनी रेडे मार दी, कहीं तो रिकवरी होती, कहीं कोई चीज ऐसी होती तो, कोई असले की रिकवरी हुई है, कोई पैसे की रिकवरी है, कोई 2 नंबर की चीज की रिकवरी नहीं हुई मेरे कहीं, मेरे किसी साथी के कहीं कभी हुई नहीं रिक्वायरी। एनआईए ने इतनी रेडे मार दी, 1500 ठिकानों पर मेरे पंजाब पुलिस ने रेडे मार दी, कभी कोई हुई नहीं, कोई चीज इलीगल चीज रिकवरी नहीं हुई सर। वो ऐसी लॉरेंस बिश्नोई का इतना बड़ा नाम बना रखा है, अगर पल्ले ही कुछ नहीं है तो तो सर वही बात है, मैं तो कहता हूँ छोड़ना चाहिए मेरे को, बाइज्जत बरी करवाओ। लगता है कि भाई इज्जत बरी होके बाहर आप आके ढंग से रह लोगे, या रहने देंगे वो लोग जिनको आपने इतने सालों में लटका के रखा है? सर मैं बिल्कुल रहूंगा सर, और देखना मैं बाइज्जत बरी हो गया हूंगा सर, इसीलिए मैं आने का मैं होना है बरी है, इसलिए मैं अंदर बैठा हूँ सर। वो तो कितने गैंगस्टरों के खिलाफ आज तक किसी ने गवाही दी है जो तुम्हारे खिलाफ दे देंगे? है ही नहीं ना मेरे खिलाफ तो कोई गवाही भी नहीं है, इसने फोन पे कुछ कहा था तो वही केस है, वो तो किस बात के केस होते हैं सर, ये तो है ही नहीं, कोई और कंट्री में तो ऐसे केस ही नहीं लगते सर। फिर ये नहीं लगता कि तुम्हारा एनकाउंटर ही होगा अगर बाहर आओगे, या गैंग वॉर में ही कुछ ना कुछ होगा? चलो वो तो सर जो प्रभु को मंजूर है वो ठीक है जी, मान लेंगे उनका हुक्म जैसा भी होगा। कभी लॉरेंस तुमने गोली चलाई है खुद? मैंने सर नहीं, हथियार तो पकड़ा होगा, हाँ वैसे फोटो फोटो खिंचाने के लिए कभी पकड़ लिया होगा। नहीं कभी मर्डर किया है के नहीं करवाया सर ही है? बता तो रहा हूँ सर, मैं तो स्टूडेंट था तब से अंदर ही बैठा हूँ जी। मतलब अंदर से ही कांड करवाते हो तुम, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेगुनाही है कि जी मैं तो अंदर था। जेल सबसे ज्यादा सुरक्षित है, और बाहर कांड कराते रहो। कांड नहीं करवाता सर, मेरे को फंसाया जाता है जी, नहीं, ये सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करवाया नहीं 1 साल प्लानिंग करके? जब मैं करवा रहा था तब तो वही नहीं, जब गोल्डी ने करवाया जी, बताओ अब उससे जब पूछेंगे वो सच बताएगा सर, अब तब तक मेरे पे इल्जाम लगते रहेंगे जी। तो बताओ ना, है कहाँ ले आते हैं उसको यहाँ पकड़ के? खुद तो आएगा नहीं फ्लाइट पकड़ के वो। सर इस बात की सच में मेरे को भी नहीं बताता वैसे, तुम्हारे पेरेंट्स कहते नहीं आके कि नाम डुबो दिया परिवार का? नहीं माता आए थे सर घर वालों से, माता आए थे 2020 में अजमेर जेल के बाद, आया नहीं जी कोई, फादर साहब को काफी समय बनने।
आपको भी नहीं लगता कि यार पेरेंट्स भी नहीं आते, कोई नहीं आता, और ये मैं क्या कर रहा हूं? कभी पछतावा नहीं होता जिंदगी में? नहीं सर, अब वैसी होगी मेंटेलिटी, वैसी चल रही है जी जिंदगी, अब ठीक है जैसे भी है, हकीकत कबूल है। अब ऐसे सोच सोच के तो फिर चलेगा नहीं ना काम सर। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसकी जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी ठीक है, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई हुई ना हुई ये भगवान जाने, कि अब मेरे पे एलिगेशन लगे हैं तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ, इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। वो वीडियो पे माफी मांग के कर दें तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर हमारा मंदिर है मुक्तिधाम मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहां ही जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज कभी भेजा सलमान खान को पहले, कोशिश की? जी सर मेरे से बॉम्बे पुलिस वाले या बॉम्बे के क्राइम डीसीपी साहब थे, उन्होंने बात की थी, मैंने सारों को ये मैसेज कहा था, तो वो कह रहे थे हम पैसे दे देंगे, काफी समय ही हो गया, साल से ऊपर ही हो गए, पर अहंकार होता है ना सर आदमी का, वो ही लेके मारता है। वो राजा रावण का भी नहीं रहा, और इसका तो पता नहीं, अगर रावण से बड़ा हुआ तो रह जाएगा, नहीं तो अमनी तो कोई ना कोई तो जरिया बनेगा सर इसका, अगर भगवान की कृपा हुई तो। आप वीडियो पे भी कह रहे हो कि मैं सलमान खान को मारूंगा, वो माफी मांगे, तो इस बात को लेके पुलिस आप पे सख्ती क्यों नहीं करती कि आप कैसे मार दोगे ऐसे? तो ये तो सत्य है सर, इस चीज में क्या 1000 बार कहेंगे, जब तक हमारे समाज को नीचा दिखाएगा तो ये कहेंगे, चाहे बीच में से काट दें हमको। लॉरेंस, कभी ये नहीं लगता आपको कि यार एक तरफ मैं भगवान की पूजा करता हूं, हनुमान भक्त हूं, नशा नहीं करता, कोई ऐब नहीं है, और दूसरी तरफ क्राइम की इतनी दुनिया से जुड़ा हुआ हूं कि बाहर लोगों को हर टाइम ये लगता रहता है कि यार फिरौती के लिए फोन आ जाएगा, किसी के घर के बाहर फायरिंग हो जाएगी अगर फिरौती नहीं देंगे। तो आपको लगता नहीं यार कि मैं हूं क्या, और बाहर मैं किस तरह बिहेव करता हूं, और अंदर पूजा पाठ करके मैं बचा रहता हूं? लोग कहते हैं, जितने अफसर हमें मिलते हैं वो कहते हैं पूजा पाठ बड़ी करता है, ये तो अजीब ही काम है आप लोगों का यार। मैं यूनिवर्सिटी के झगड़े में जेल गया हूँ, बाहर से मैं कोई क्राइम नहीं था ना जी मेरा, ये गैंगवार अंदर से शुरू हुई, सारा कुछ अंदर से ही बना, मैं बाहर तो नहीं था, ये जो चीजें क्रिएट हुई हैं, मैं एक स्टेट की नहीं सर, मैं ये 5-6 स्टेटों की जेल में रह लिया, और कम से कम मतलब हिंदुस्तान की सिर्फ एक ईडी रहेगी जहां पे मेरी पूछताछ नहीं हुई, बल्कि हर एजेंसी में मेरी पूछताछ होगी, हर एजेंसी के लोग मेरे से पूछताछ कर गए, इन्वेस्टिगेट कर गए, हर जगह घूम लिया और हर जगह का पानी पी लिया सर, कि भी हाँ मेरे को बताओ, एक यूनिवर्सिटी के केस में मैं अंदर गया हूँ चंडीगढ़ जेल में, और यहाँ ये चीजें क्रिएट हो गई, तो इसमें मेरा फॉल्ट है कि इस सिस्टम का फॉल्ट है, मैं तो बाहर ही नहीं आया ना उसमें, नहीं, पर तुम अंदर से क्राइम तो कराते हो ना, कैसे करवाता हूँ सर, वो तो आप बताओ ना सर। लोग सामने ही नहीं आते, आप फिरौतियां दे के आपको जान बचा के हाथ जोड़ के चुपचाप फोन पे पैसे देके चले जाते हैं। ये हुआ कैसे, 9-10 साल जेल में हो गए मेरे को, कैसे हुआ ये, आप इन्वेस्टिगेट जो, ये तो मेरे व्यक्तिगत एक आदमी को इन्वेस्टिगेट कर रही है एजेंसियां, मेरे पे लगे हुए हैं, घर से तो मैं हॉस्टल में आया था, और उसके बाद लड़ाई झगड़े हो गए, चलो मेरा मतलब ये नेक्स्ट इलेक्शन लड़ता था यूनिवर्सिटी में, 100 चीजें होगी, चलो मैं वहां से जेल आ गया हूँ, मैं तो गई नहीं ना कहीं, ये हुई कैसे चीजें, वो तो वो इन्वेस्टिगेट करवाओ एजेंसियों से, कह के कैसे हुई, कि कोई और आदमी तो नहीं हो जाए ऐसा। पुलिस ऑफिसर वगैरह इस्तेमाल करते हैं आपको? नहीं सर मेरे को तो नहीं कोई करता जी, तो ये कैसे होता है कि वारदात यहाँ होती है और फौरन राजस्थान में या दिल्ली पुलिस यूपी में जो है वो लोगों को पकड़ लेती है, आपके गुर्गे जो है वो वारदात पंजाब में करते हैं, पकड़े जाते हैं जाके दिल्ली में, ये क्या चक्कर है? वैसे तो मेरे को पता नहीं सर ये इस चीज का कैसे पकड़े जाते हैं, एफिशिएंट पुलिसिंग या किसी की तो पकड़ लेते हैं वो सर, बाकी यह है कि 2-3 पुलिस वाले मेरे को बहुत बढ़िया चरित्र के मिले हैं, कि जिनका हाँ मैं बाकी जिनके पास लगता है भी हाँ, कि ऐसे आदमी कभी शुरू में मिले होते तो हाँ शायद इस दिशा में नहीं होते हम, कौन कौन है वो? कोई भी हो सर, कि एक मैं इतना बदनाम हूँ किसी का नाम लूंगा तो अगले आदमी का मतलब वो डाउन होगा जी, उसका रुतबा डाउन होगा, पर ऐसे भी 2-3 आदमी ऐसे मेरे को मिलेंगे जिनका वाकई उनको मतलब सामने जाते हैं तो सिर झुकता है जी, बाकी ये कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ ना कि हम कैसे चीजें ये क्रिएट हुई, तो बहुत चीजें बदल जाएंगी सर, है ना, हम तो आज नहीं तो कल मर ही जाएंगे, पर ऐसे है कोई और चीजें उभरेंगी नहीं हमारी जैसी, है ना, लॉरेंस, हमारे ये जैसे भी जो ऐसे मैजिक तत्व है वो नहीं उभरेंगे जी दोबारा, कि भाई इन्वेस्टिगेशन इस चीज पे हो, हम तो जैसे आप कह रहे हैं इनकाउंटर होना है, वो चलो होना है सर, हम इनकाउंटर नहीं होगा तो हमारे विपक्षियों के हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो अपनी मौत भी जाएंगे, ये तो सृष्टि का नियम है, जाना सभी ने है ना, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चेंज तो इस चीज से आएगा, क्योंकि जैसे कि ये चीज इन्वेस्टिगेशन हो, कि भाई स्टूडेंट ही थे
ये तो आपको भी पता सर कि हुई कैसे चीजें, क्यों आप क्राइम करते रहे होगे ना कोई कैसे रहे आप अंदर? क्या कोई डेलिबरेटली आपको अंदर रखना चाहता था या किसी ने आपको रखा फिर बाद में आप वो गैंगस्टर बन गए? क्या शायद जेल में उस तरह की प्रथाएं थी कि हमें वैसे ना बनते हैं तो जेल में मरते, या इतना मेरे से झुका नहीं गया जेल में जाके कि मैं अपने मॉरल के मतलब अपनी गैरती खत्म कर दूं। कहा मेरे से नहीं झुका गया, फिर मैंने जेल में जाके वैसे ही हो गए जैसे जेल की प्रथाएं थी। ऐसा क्या हुआ शुरुआती दिनों में जेल में आप बताइए ना, क्या हुआ ऐसा कि आपसे झुका नहीं गया? किसने झुकने को कहा आपको? नहीं जेल में बनते हैं सर गुंडे, या फिर जेल में हो तो या वो होंगे या हम होंगे, तो वो प्रथाएं पहले जेल में चल रही थी और बाहर जब नहीं, हमारे भाइयों को मारा गया। वो बात की बात है, जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी हमें, नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो बता दो नाम। किसी का नाम नहीं है सर, बाकी जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो जैसे फिर कहानी हुई ना। वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि पगली है, वो तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडिंग फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे नहीं। और कोई ऐसी बात रहेगी जीवन की जो आप शेयर करना चाहते हो और शेयर ना कर पाए हो अभी तक इस पूरे इंटरव्यू में? बस शेर तो बस ये कहना चाहता हूँ कि सर बोलने की कला नहीं है, पहली बार किसी के आपके सामने सर हिम्मत करके टीवी पे बोलूं, या भाई थोड़ी सी हिचकिचा मतलब बोला नहीं जाता सही तरीके से, और इतने कलाकार भी नहीं हूँ कि तर्क वितर्क सही से दे सकूं, और इस चक्कर में आगे कोई सुनने वाला भी कोई बोलेगा तो मैं माफी मांगता हूँ कि मेरी तरफ से ऊंचा नीचा बोला गया हो तो। उसका क्या हुआ जो एक आदमी आपका बाकू में पकड़ा गया था जिसको वहां डिटेन किया था पुलिस ने, वो इंडिया तो आया ही नहीं, उसका क्या हुआ? सचिन सर मेरा भांजा ही लगता है जी, उसका क्या वो हुआ? अजरबैजान की जेल में, वो जेल में सर अजरबैजान की जेल में भांजा लगता है जी मेरा। तो इतने टाइम से उसको कैसे रखा हुआ है? वो तो भारतीय एजेंसियों ने डिटेन करवाया था वहां पे। अब सर पता नहीं किस चक्कर में क्या रखा हुआ सर, भांजा ने बेकसूर वो इस होगा सर, क्या पता छोड़ते हैं वहां, कोई कानून हमारी सुनता हुआ तो। हाँ, आप बेकसूर हो, बाकी सारी दुनिया कसूरवार है। हकीकत सर जब मैं बरी हो गया हूँ मैं सर आपके पास जरूर आऊंगा जी। जी जी सर, मेरी तरफ से कोई भी ऊंची नीची बात कही गई हो तो माफ करिएगा सर, कला नहीं है इतनी। और धन्यवाद सर, आपने मेरी बात सुनी और लोगों के पास पहुंचाई, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, और राम राम सर।